आज ही ट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन हमारे पास क्वेश्चन है बनाना है से, जो उसका फॉर्मुला बताना चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पे पॉलीथीन बन रहा है मतलब कि यहाँ पे एक पॉलीमर बन रहा है तो पॉलीमर जो है वो मोनोमर से बनेगा तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो होता है एक इथिन मोलिक्यूल तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक इथीन मॉलिक्यूल ये है तो अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया जो कि एक ओली अल्फा ओलीफिन है तो अल्फ़ा पोजिशन पर डबल बॉन्ड है तो इस वजह से ये अल्फा ओलीफिन हो गया अब यहाँ पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा पॉलीथीन तो इसका स्ट्रक्चर जो पॉलीमर बनेगा वो क्या हो जाएगा सी एच टू सी एच आर अब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे तो एन नंबर मॉलिक्यूल पॉलीमर बना देंगे अब ये बन गया हमारे पास पॉलीथीन और यही बनाना था हमें अब हमें बोल रहा था कि जिगलर नाता मेथड का कैटलिस क्या होगा तो जिगलर जिगलरनाता मेथड जो होता है वो हम जिगलर नाता कैटलिस के नाम से जानते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो सॉल्ट होता है एलमोनीय एलमोनीय सी टू एच फाइव थ्राइस प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है वो जिग्लनाथा मेथड होता है जिगलनाथा कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट का फॉर्मुला यही हो जाएगा हमारा तो अब इसी के ऑप्शन और इसी के बेसिस पे अगर चार ऑप्शन देखें तो जो हमारा के जिगलनाथा केटलिस का फॉर्मला है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है बाकी के साथ मैच नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएंगे सो so, जो कैटलिस्ट होगा वो जो पॉलीथीन बनाएगा मेथड के बेसिस पे वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस C2H5 थ्राइस एल अल, प्लसियम तो इन दोनों का सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है कैटलिस्ट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट थैंक यू होप यू लाइक इट क्लास सिक्स से लेकर मीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करिए आप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर